फांसी से बचने के लिए निर्भया कांड के गुनहगार हर हथकंडा अपना रहे हैं। जी हां, अब दोषी विनय शर्मा ने एक और दांव चला है। उसके वकील एपी सिंह ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर दी है। इस अर्जी में कहा गया है कि जब दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 29 जनवरी को राष्ट्रपति के पास विनय की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की, तो उस वक्त वो ना तो मंत्री थे और ना ही विधायक। ऐसा इसलिए क्योंकि नए विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी थी और दिल्ली में कार्यवाहक सरकार काम कर रही थी। दोषी विनय शर्मा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने 30 जनवरी को अपना साइन व्हाट्सएप के जरिए भेजा। अर्जी में कहा गया है कि ऐसे में उनके मुवक्किल की दया याचिका खारिज करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है, क्योंकि उस समय दिल्ली में चुनाव के लिए आदर्श चुनाव संहिता चल रही थी। अर्जी में चुनाव आयोग से कानूनी संज्ञान लेने की मांग की गई है। इस बीच तिहाड़ जेल में बंद दोषी विनय कुमार ने खुद को चोटिल करने की नाकाम कोशिश की। विनय कुमार ने खुद का सिर दीवार पे दे मारा। जेल प्रशासन के मुताबिक 16 फरवरी को हुई इस घटना में विनय को कुछ हल्की चोटें भी आई हैं। नए डेथ वारंट के मुताबिक चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 फरवरी को नया डेथ वारंट जारी किया था। इसके पहले राष्ट्रपति के यहाँ से दया याचिकाएं खारिज होने के बाद 17 जनवरी को पहला डेथ वारंट जारी हुआ था, जिसके तहत बीती 1 फरवरी को फांसी दी जानी थी, मगर सजा पर पुनर्विचार को लेकर कानूनी प्रावधानों का सहारा लेकर दोषियों ने अपनी फांसी रुकवा ली। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय राजधानी में 23 वर्षीय युवती के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। दरिंदों ने बाद में उसकी हत्या करके सड़क पर फेंक दिया था। इस घटना से पूरा देश हिल गया था, लेकिन कानूनी खामियों का सहारा लेकर दोषी लगातार अपनी सजा टलवाते आ रहे हैं, जिसके बाद कानून में बदलाव की ज़रूरत पर भी बहस चल रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। रासत्ता एक्सप्रेस से निकिता शुक्ला की रिपोर्ट।